हेलो एंड वेलकम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी बिहाइंड एथिकल बिहेवियर तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन देखिए आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा हम उसमें देखेंगे कि एथिकल बिहेवियर के पीछे कौन से कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे एक टर्म है इम्पॉर्टेंट वो है बिहेवियर तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियर के पीछे ऐसे कौन से कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं तो उन फैक्टर्स में से भी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कॉग्निटिव एंड नॉन फैक्ट कॉग्नेटिव हम इन दोनों के दोनों फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन देखिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर एथिक्स सो एथिक्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सनस बिहेवियर सिंपल सी बात है कि ऐसे नैतिक मूल्य जो इंसान के व्यवहार को गवर्न करते हैं उनको हम एथिक्स बुलाते हैं तो यहाँ पे जो मेन टर्म आई दैट इज बिहेवियर तो कौन से कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो इंसान के बिहेवियर को गवर्न करते हैं वो फैक्टर्स हैं नंबर वन हेरिडिटी माँ बाप के जीन्स की वजह से जो हम बिहेव करते हैं वो नंबर टू है एनवायरमेंट जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसमें हमारी फैमिली स्कूल फ्रेंड्स वगैरह आगे उसकी वजह से हम जो बिहेव करते हैं जो हमारे बिहेवियर को असर डालते हैं वो फैक्टर्स उसके बाद है कोगनेटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिनमें हम सोचते हैं कुछ न कुछ सोच के आ, हमारे बिहेवियर जिनके सोचने से हमारे बिहेवियर पे असर पड़ता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें हम सोचते नहीं हैं बट फिर भी हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं उनको हम नॉन कोगनेटिव फैक्टर्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इमोशंस ठीक है तो ये चीजें हम आप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हम हेरिडिटी के साथ सो व्हाट डज इट से दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई जेनेटिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स भाई हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है जो हमें जीन्स मिले हैं हमें अपने मदर फादर से उससे द डीएनए डिटरमाइंस फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रीट्स तो इंसान के जो फिजिकल ट्रेड्स हैं और बिहेवियर में जो ट्रेड्स हैं वो दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं हेरिडिटी कंप्लीटली नहीं बट कुछ हद तक आपकी स्किन का कलर कैसा है आपके बालों का कलर कैसा है आपकी वॉइस की टोन कैसी है उसके बाद आप सोचते किस पैटर्न से हो फिर बिहेवियर में कैसे देखेंगे कि आपके मदर फादर कहीं अग्रेसिव हैं तो आप में अग्रेसन कितना है एम्पैथेटिक हैं तो आप में एम्पैथी कितनी है सिंपैथेटिक थे तो आप में कितनी है जरूरी नहीं है एग्जैक्ट कॉपी हो बट डिग्री वेरी कर सकती है और चांसेस आर वेरी हाई कि आपके मदर फादर के कुछ ना कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स आप में नोइंगली और अनोइंगली जरूर होंगे उसके बाद है इन्वायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर मतलब ऐसे फैक्टर्स इन्वायरमेंट के अंदर जो हैं वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट uh, करते हैं तो उनको बोलेंगे इन्वायरमेंटल डायमेंशंस ऐसे कौन से कौन से डायमेंशंस हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली वाई फैमिली बिकॉज जब एक बच्चा बड़ा होने लगता है तो प्राइमरी यूनिट जो होती है उसके सराउंडिंग की वो फैमिली होती है उस फैमिली की वजह से वो लैंग्वेज सीखता है लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन सीखता है और कम्युनिकेशन की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करता है स्कूल में जाता है कॉलेज में जाता है ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट के अंदर वो फैमिली करती है कुछ फिज़िकल सराउंडिंग्स भी मैटर करती हैं जो कि आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हो या नॉइजी इन्वायरमेंट में रहते हो अगर कोई आदमी नॉइजी इन्वायरमेंट में रहता है तो वो काफ़ी इरिटेटेड रहेगा ठीक है उसके बाद आप देखोगे कहीं आप पॉल्यूटेड uh, इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होने लग जाती है जिसकी वजह से आपकी बिहेवियर में चेंज आने लगता है बिकॉज देखो बिहेवियर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम योर फिजिकल हेल्थ अगर आप बीमार हो तो आपका बिहेवियर अलग होगा आप अगर हेल्दी हो तो आपका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होगा नेक्स्ट डायमेंशन इज कॉग्नेटिव डायमेंशन तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायमेंशन होती क्या है सो कॉग्नेटिव डायमेंशन ऑफ बिहेवियर इज दैट विच इन्वॉल्व्स विद इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस मतलब जब कुछ आप बिहेव करते हो और उस बिहेव करने से पहले आप कुछ सोचते हो जिन जिन प्रोसेसेस में बिहेव करने से पहले आपने सोचा है तो उसको हम बोलेंगे कॉग्नेटिव डायमेंशन फॉर एग्जांपल आपकी थिंकिंग मेमोरी, अटेंशन लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये कॉग्नेटिव डायमेंशन है आपके बिहेवियर के लिए जैसे कोई प्रॉब्लम किस तरीके से एक ही प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से सोच के करता है कोई दूसरे एंगल से सोच के करता है बट हो क्या रहा है वहाँ पे? सोच रहे हैं थिंकिंग इज इन्वॉल्व हुए ठीक है तो कॉग्नेटिव डायमेंशन uh, वो होते हैं जहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है कौन से कौन से हैं ये फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस देखो आप मानते हो नहीं कि नहीं मानते कि इंटेलिजेंस इंसान के बिहेवियर के साथ जुड़ा होता है एक इंटेलिजेंट आदमी अलग तरीके से बिहेव करेगा एक अन इंटेलिजेंट आदमी अलग तरीके से बिहेव करेगा और वही चीज़ें आप देखोगे एथिक्स में भी इन्वॉल्व होती हैं अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा वो एथिकली अलग हो सकता है ज़रूरी नहीं है वो एथिकली सही हो बट अलग हो सकता है उसका इंटेलिजेंस ज़रूर रोल प्ले करेगा उसके एथिकल बिहेवियर के अंदर और ज़रूरी नहीं है कि एक इंटेलिजेंट आदमी अनएथिकल बिहेव करे तो ये चीज़ें हैं तो होता क्या है इंटेलिजेंस हम हाँ ये देखेंगे अभी इट्स एन एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली एक्ट पर्पजफुली एंड डील विद इट्स एनवायरनमेंट इफेक्टिवली तो एक इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो रैशनली सोचता है परपजफुली काम करता है और अपने वातावरण को अच्छे से डील कर पाता है फॉर एग्जाम्पल आप किसी अच्छी सिचुएशन में खड़े हुए हो जहाँ पे आपका झगड़ा हो गया और आप देख रहे हो कि वो दस लोग हैं आप अकेले हो बात यहाँ सही गलत की नहीं चल रही है बात ये है अगर आपने झगड़ा किया और दस लोग आपको मारने आएंगे इफ़ यू आर नॉट इंटेलिजेंट इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग रैसनली तो आपकी पिटाई होने वाली है भयंकर लेकिन आपने रैसनली सोचा कि भई ये लोग ज़्यादा हैं रैशनली कैसे सोचा ये रोग ज्यादा हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करके वहां से निकल लिए तो ये क्या होगा इंटेलिजेंस नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी ये भी आपकी कॉग्नेटिव एबिलिटी है इट इज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड प्रोडक्टिव आइडियाज और इमेजिनेशन इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है तो ये भी आपका एक कागनेटिव डायमेंशन है बिहेवियर का जहां पे आपको सोचना पड़ रहा है नेक्स्ट है परसेप्शन द प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव इवेंट्स बाय मींस ऑफ आवर सेंसेस सेंसेशन अकर्स व्हेन न्यूरॉन्स आर फायर्ड बाय इनपुट फ्रॉम सेंसेस देखो इसको अगर मैं एक मैथमेटिकल टर्म में लिखू ना सेंसेशन प्लस मीनिंग ये होता है परसेप्शन मतलब सेंसेशन के थ्रू मीनिंग निकालना और सेंसेशन मतलब फिजिकल सेंसेशन नहीं आँखों कानों सेंसेस का जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे आँख भी हो सकती है कान भी हो सकते हैं जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं उनके थ्रू और उसके बाद हम उसका मीनिंग निकालते हैं तो वो बन जाता है हमारा परसेप्शन ये चीजें काम आएंगी जब आप एथिक्स पढ़ोगे ना अच्छे से डिटेल में तो वहां पे काम आएंगे परसेप्शन क्या होता है ठीक है ना एक एक एक, एक एथिकल बिहेवियर में परसेप्शन का क्या रोल है तो ये आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं अटेंशन अटेंशन इज द एबिलिटी टू एक्टिवली प्रोसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द इनवाट वाइल ट्यूनिंग आउट द अदर डिटेल्स मतलब सिर्फ फोकस कर लेना एक चीज पे और उसी के ऊपर ध्यान लगा के उसी को अच्छे से प्रोसेस कर पाना अगर मैं इसको इस टर्म्स में बोलूँ ना तो रेगुलेटेड परसेप्शन इज इक्वल टू अटेंशन ये बेटर रहेगा तरीका याद करने का अटेंशन इज इक्वल टू रेगुलेटेड परसेप्शन जब हम परसेप्शन को रेगुलेट कर देते हैं इधर उधर घूमने नहीं देते हैं फोकस तो क्या हो जाएगा अटेंशन हो जाएगा मेमोरी इट इज अ कॉग्नेटिव डायमेंशन ऑफ बिहेवियर मतलब जहां पे अब मेमोरी ही नहीं होगी तो आप सोचोगे क्या क्योंकि कॉगनेटिव डायमेंशन में तो सोचना इन्वॉल्व है और सोचने के लिए आपको डेटा चाहिए और डेटा कहाँ स्टोर होता है मेमरी के अंदर सो इट इज द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिट्रीव प्रीवियस लर्न इंफॉर्मेशन मतलब ये ऐसी एबिलिटी है इंसान की जो कि रिटेन करती है और रिट्रीव करती है जो चीजें आपने पास्ट में सीखी हैं उसके बाद है एप्टीट्यूड देखो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में काफी ज्यादा डिफरेंस है एप्टीट्यूड जो है दैट इज अ कोगनेटिव एबिलिटी एंड एटीट्यूड इज अ नॉन कोगनेटिव एबिलिटी वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक uh, है वो यही है नॉन कोऑर्गनेटिव एबिलिटी सो एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट दैट कैन बी रियलाइज विद ट्रेनिंग मतलब आप में वो पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को आप बाहर कैसे ला सकते हो ट्रेनिंग के साथ फॉर एग्जांपल जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो उसमें हम पे क्या है सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कि आप में वो एप्टीट्यूड है कि नहीं है जो एक सिविल सर्वेंट पे होना चाहिए वो मान के चलो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है आ, उसकी जो बॉडी है वो मतलब उसमें वो पोटेंशियल है कि वो काफ़ी बड़ा एथलीट बन सकता है अच्छी हाइट है अच्छा फिजिक है बट ट्रेनिंग नहीं की है तो ट्रेनिंग के साथ वो एप्टीट्यूड आ सकता है उसके अंदर बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर वो एबिलिटीज हैं जो एक अच्छे खिलाड़ी में होनी चाहिए नेक्स्ट इज नॉन कोगनेटिव डायमेंशंस क्या होते हैं ये आइए देखते हैं द डायमेंशन ऑफ बिहेवियर विच आर नॉन कोगनेटिव इन नेचर इट इंक्लूड्स इमोशंस वैल्यूज एटीट्यूड्स पर्सनैलिटी एटसेट्रा मतलब क्या हुआ इस चीज का इस चीज का मतलब ये है कि जहां पे सोचने का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है ठीक है जहां पे थिंकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हो फॉर एग्जाम्पल आपको हंसना आ रहा है तो आप हंस रहे हो सिंपली वहां पे कुछ सोच नहीं रहे हो वो एक इमोशन है रो रहे हो वो एक इमोशन है हालांकि सोच के रो रहे हो वहां पे दोनों अलग अलग चीजें हैं बट जब आप रो रहे हो दैट इज इमोशन ना कि थिंकिंग uh, ठीक है तो कौन से कौन से हैं नॉन कोगनेटिव डायमेंशन सबसे पहले है एटीट्यूड तो आइए स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड के साथ क्या कहता है एटीट्यूड इट रेफर्स टू सेट ऑफ इमोशंस बिलीव एंड बिहेवियर्स टुअर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्सन थिंक और इवेंट देखो इसको बेटर तरीके से समझते हैं मैथमेटिकली इसको याद रखना एटीट्यूड इज इक्वल टू बिलीफ प्लस इमोशन याद रखना इसको बिलीफ और इमोशन जो बिलीफ वाला पार्ट है दैट इज कोग्नेटिव जहां पे सोच रहा और जो इमोशन है दैट इज नॉन कोग्निटिव तो ओवरऑल ये नॉन फैक्टर्स के अंदर आता है एटीट्यूड आपका हालांकि इसके अंदर कोग्निटिव फैक्टर भी होता है थिंकिंग इन्वॉल्व है वहां पे जब आप बिलीव करते हो ठीक है तो एटीट्यूड को समझने के लिए देखो हम एक चीज एक सिचुएशन लेते फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी गेस्ट आया तो आपने उस गेस्ट को ग्रीट किया ठीक है और ग्रीट करके उसको हाय हेलो बोला आइए बैठिए ये, ये वो बट आपको पता है कि आप उस गेस्ट को पसंद नहीं करते हो तो जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है वो तो वर्बली जो रोल प्ले कर रहे हेलो हाँ में वहां पे तो आप पॉजिटिवली वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो बट एटीट्यूड ओवरऑल वहां पे नेगेटिव है क्योंकि आप उस इंसान को पसंद नहीं कर रहे हो बिकॉज जो इमोशंस हैं आपकी वो उसके प्रति इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है तो ओवरऑल जो एटीट्यूड है आपका वहाँ पे नेगेटिव होगा नेक्स्ट इज इमोशंस सो व्हाट आर इमोशंस इमोशंस आर द कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग दैट रिजल्ट इन फिजिकल और द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस थॉट एंड बिहेवियर मतलब ऐसी कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो जिसकी वजह से अच्छा इमोशंस में ये देखना इमोशंस में सिर्फ आप सोच नहीं रहे हो वहाँ के आपकी बॉडी के लेवल पे फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी चेंजेज आते हैं दे आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सन एथिकल बिहेवियर भाई इमोशंस तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान के एथिकल बिहेवियर में वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट सो वैल्यूज आर एबस्ट्रैक्ट आइडियल विच आर नॉट टाइट टू ऑब्जेक्ट बट गाइड जजमेंट और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ठीक है ये छोड़ दो आप थियोरिटिकल आप सिर्फ इस पर आ जाओ वैल्यूज आर कार्डिनल बिलीफ एंड इमोशन देखो जो एटीट्यूड था दैट वॉज इक्वल टू बिलीफ प्लस इमोशन तो यहां पर सिर्फ थोड़ा ही फर्क है यहाँ पे जो बिलीफ है दैट इज मच मोर स्ट्रोंगर योर एटीट्यूड तो वैल्यूज जो होती हैं जो आप जिसको आप बोलते हो फेथ फैक्टर जो होता है uh, जो आपकी वैल्यूज का उस वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं वो इतने ज्यादा हिलते नहीं है एटीट्यूड्स बड़े जल्दी चेंज हो सकते हैं वैल्यूज नहीं कारण यहाँ पे जो बिलीफ फैक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है ध्यान रखना एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं ठीक है बट वैल्यूज इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है कारण क्या है कारण यही है इसके अंदर जो बिलीफ फैक्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट इज मोटिवेशन क्या होता है मोटिवेशन इट रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ पुश और पुल फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बिल्कुल सही बात है भाई ऐसे पुश और पुल फैक्टर्स जिनकी वजह से आप अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंटली uh, काम करते रहते हो फॉर एग्जांपल आपको जॉब चाहिए भाई जॉब के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं पैसा हो सकता है सेटल हो होने के लिए हो सकते हो ठीक है तो वो क्या है वो जो पुश और पुल फैक्टर है वो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए पुश करता रहता है तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं जो आपके ऐसे फोर्सेज बायोलॉजिकल फोर्स भी हो सकती है आप भूख लगी हुई है आपको तो जल्दी से जल्दी घर जाके आपको खाना खाना है तो वहाँ पे पुश और पुल फैक्टर क्या है बायोलॉजिकल ड्राइव इमोशंस आपको अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है तो वहाँ पे क्या है इमोशंस सोसाइटी आपको सोसाइटी में नाम जो है अपना चमकाना है तो सोशल फैक्टर्स आ गए कॉग्नेटिव फैक्टर्स भाई आपकी जो सोच है कि मेरे को दुनिया से अलग करना है नेक्स्ट है पर्सनैलिटी सो पर्सनैलिटी इज ऑल्सो नॉन कोगनेटिव डायमेंशन ऑफ बिहेवियर सो वट इज पर्सनैलिटी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियंग एक तो ये खास बात है यहां पे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग किस किस में है डिफरेंस इन सोचने में इंसान के चीज़ों को फील करने में किसी अब मान के चलो आप किसी एडवेंचरस उस पर टूर पे जाते हो तो एक इंसान के लिए काफ़ी भयवाहक हो सकता है कि भैया यार मुझे तो डर लग रहा है मैं तो इस झूले पे नहीं बैठूँगा या बैठूंगी बट एक उसी को इन्जॉय कर रहा है तो क्या है पर्सनैलिटी ट्रेट में डिफरेंस है There are many factors which contribute आर a फैक्टर्स personality. कंट्रीब्यूट include दे इंक्लूड and एंड life experiences. बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक इंसान की पर्सनालिटी में रोल प्ले करते हैं अब can कैन नेवर बी ये सही बात है भाई इंसान हर रोज बदलता है तो पर्सनालिटी भी हर रोज बदलेगी उसकी सोच हर रोज बदलती है उसका हुलिया बदल रहा है धीरे धीरे वो बूढ़ा हो रहा है यंग हो रहा है तो इस तरीके से पर्सनैलिटी कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती पर्सनैलिटी हमेशा डायनेमिक ही रहती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच ड्राइव अ पर्सनस बिहेवियर तो एक इंसान के बिहेवियर में कौन से कौन से चीजें हैं कौन से कौन से डायमेंशन हैं जो रोल प्ले करते हैं वो हमने डिस्कस किया सो थैंक यू